Welcome, my dear student. Today, I am going to teach you Hope Science, chapter number 5 Preservating Food. So, we already learned part 1, part 2, and part 3, and this is our four part and new topic method of preserving food at home. So, let's begin. Food can be preserved at home by using the following method. सो so, फूड को किस तरह से हम आ, सुरक्षित रख सकते हैं खराब होने से बचा सकते हैं सो so, यहाँ पर चार पॉइंट दिए हैं उनके उनको फॉलो करके हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। एक्सपोजिंग फूड टू लो टेम्परेचर ठंडा रखकर हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं एक्सपोजिंग फूड टू हाई टेम्परेचर खाने को बार बार गर्म करके हम खाने को बचा सकते हैं यूजिंग प्रिजर्वेटिव हम uh, कुछ चीजें इस्तेमाल करके uh, जो है खाने की हम सुरक्षा कर सकते हैं डिहाइड्रेटिंग फूड अस नाउ डिस्कस ईच ऑफ दिस मेथड इन सम डिटेल लो टेम्परेचर यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट फूड स्टे लॉन्गर एट लो टेम्परेचर एग्जाम्पल इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट यूजिंग लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व फूड वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट लो टेम्परेचर स्लो डाउन माइक्रोबाइल And enzyme actions, the food is thus pre prevented from spoilage. Do you use this method of preservation at home? Yes. If you have a refrigerator, you can use it because a refrigerator helps to keep food at low temperature. Food can be preserved at लो टेम्परेचर बाय हमारे घर में जब फ्रिज है अगर आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज के थ्रू हम लो टेम्परेचर हम देखते हैं फ्रिज बहुत ठंडा होता है और उसमें जब भी हम कोई चीज रखते हैं वो जल्दी खराब नहीं होती है तो लो टेम्परेचर में जो है जो खाने के जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ रहते हैं और उसमें जर्म्स नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं जिसके कारण वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं ठीक रहते हैं और उसे हम इस्तेमाल करते हैं देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर कीपिंग फूड बिटवीन टू एंड कोल्ड स्टोरेज कीपिंग फूड बिटवीन टेन टू फोर्टी एंड फ्रीजिंग कीपिंग फूड बिटवीन वन एटी और बिलो सो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर का जो uh, जिस तरह से वो डिवाइड है वहां पर जो है मेंशन किया है द ड्यूरेशन फॉर विच द फूड कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग लो टेम्परेचर वेरियस विद द टाइप ऑफ फूड एंड द टेम्परेचर सो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं जो अलग अलग आ, उसमें आ, पार्ट में होते हैं जिन्हें हम अलग अलग जगह में स्टोर करते हैं द लोअर द टेम्परेचर लॉन्गर इज द ड्यूरेशन फॉर विच द फूड कैन बी प्रिजर्व ऑफ थ्री मैथर्ड फ्रीजिंग यूज द लोवेस्ट टेम्परेचर जो फ्रीजिंग है वो लोवेस्ट टेम्परेचर है प्रिवियस लेसन हम इस बारे में इधर यहां पर बात नहीं करेंगे ऑलरेडी हमने ये सीख लिया है फ्रीजिंग ऑफ पीस अगर हम जो पीस है या हरे मटर की जो फलियाँ होती है जो उनके दाने होते हैं उसके उसको फ्रीजिंग करना चाहते हैं रखना चाहते हैं सो मेथड यहाँ पर कुछ मेथड है स्टेप बाय स्टेप हमको यूज करना है सो फर्स्ट मेथड है सेलेक्ट अबाउ हाफ अ किलो ग्राम ऑफ फ्रेश टेंडर पीस एंड शेल देम उनको छील कर दाने निकाल लें स्टेप टू टेक इनफ वॉटर इन स्टेनलेस स्टील पैन इन विच द न बी कंप्लीटली इम्प्रेस्ड एट वन टी स्पून ऑफ सॉइल फॉर हाफ अ लीटर ऑफ वॉटर डिसोल्व एंड ड्रिंक द सोल्यूशन सुन यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप आपको यूज करना है और अकॉर्डिंग उसको फ्रीजिंग करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हमको उसको फ्रीजिंग करना है सो so, आप ये स्टेप्स रीड कर सकते हैं अगर आप फ्रीजिंग करना चाहते हैं लर्न कर सकते हैं आपके बुक्स में आ, सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं थर्ड पॉइंट है कम्प्लीटली इम्प्रेस द पीस इन द बॉइलिंग सोलूशन फॉर अबाउट टू मिनट्स देन फोर्थ पॉइंट है ड्रेन द पीस इमिडिएटली ऑन टू स्टेनलेस स्टील

फ्रोजन सो जो अदर वेजिटेबल्स है सेम यही प्रोसेस यूज करके आप उनको भी फ्रोजन कर सकते हैं सेव कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग फ्रोजन वेजिटेबल्स टेक आउट द फ्रोजन पैकेट फ्रॉम द फ्रीजर वन और टू आवर्स बिफोर यूज एंड लेट द फूड थ्रोन एट रूम टेम्परेचर पुड पीस इन दीव एंड कीप अंडर टैप वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स ड्रेन एंड यूज जब भी हम फ्रीज का फ्रीज से कोई भी चीज निकालते हैं तो वन आर टू आवर्स पहले हमको बाहर निकाल के रखना है ताकि वो रूम के टेम्परेचर पे हो जाए उसके बाद हम उसको यूज कर सकते है सेकेंड पॉइंट फ्रोजन वेजिटेबल कैन भी स्टोर अप टू सिक्स मंथ इन फ्रीजर सो जो भी आप फ्रोजन करते हैं उसे आप सिक्स मंथ तक यूज कर सकते हैं फ्रीजर में रखकर प्रिकॉशंस वाइल्ड फ्रीजिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें क्या सावधानियां रखनी है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को फ्रीजन करते समय पैकेजिंग मटीरियल दैट इज पॉलीथिन बैग शुड बी स्टोर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथ स्टैंड एक्सपेंशन ऑफ फूड मटेरियल ऑफ फ्रीजिंग अच्छी अच्छी क्वालिटी का आपको uh, जो पॉलिथिन है पॉलिथिन बैग यूज करना है पैकिंग करने के लिए द फूड वंस ब्रॉट आउट ऑफ द फ्रीजर एंड ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर शुड नॉट बी री फ्रोजन जब हम उसको रूम टेम्परेचर uh, में लेके आते हैं उसके बाद हमको uh, उसे सावधानी से uh, ये स्टोर करना है स्मॉल पैकेट शुड बी प्रपेर एज फूड वंस थ्रू मस्ट बी कंज्यूम सो हम जब उसके uh, जो भी हम फ्रोजन कर रहे हैं तो छोटे छोटे पैकेट बनाइए सो देयर इज अस चांस ऑफ द रिमेनिंग फूड मटीरियल बिंग स्पॉल्ट तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं हम एक बार रखते हैं वापस निकालते हैं फिर रखते हैं निकालते हैं सच है हम छोटे पैकेट यूज करें एक पैकेट एक बार निकालने के बाद हम उसको यूज करें और फिर नेक्स्ट हम पैकेट निकाल निकाल के यूज करें तो ये सिंपल तरीका है जिससे खराब नहीं होता है नहीं तो बार बार ठंडा होना फिर नॉर्मल होना फिर ठंडा होने में चांसेस होते हैं खराब होने के दिस ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड अ रिफ्रिजिंग

फ्रॉम फ्रोजन फूड उसमें से आईस निकाल देना है फूड इज सेफ एंड डॉट स्पॉइल जब हम खाना बार बार गर्म करते हैं तो उसमें जो जम्स शुरू होते हैं हम जब गर्म करते हैं तो वो जम्स किल हो जाते हैं मर जाते हैं और खाना सुरक्षित रहता है Do all organisms get killed by increasing temperature no there are some microorganisms which do not get destroyed at high temperature Kuch germs hote jo, uh, high temperature mein bhi nahi marte. if this organism are not killed so they can spoil food item once the temperature is decreased there are two methods of preserving food by using high temperature. दो तरह के हम देखते हैं प्रिजर्विंग फूड के मेथड है फर्स्ट है पेस्टी पेस्टराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन पाश्चुराइल पाश्चराइजेशन व्हेन यू थिंक ऑफ पाश्चराइजेशन व्हिच फूड आइटम कम टू your mind yes it's milk we have often hear about the pasteurized milk packet in this method food milk packet in this method food is heated to a high temperature and then quickly cold. the microorganisms are not able to Withstand the sudden change in in temperature and are destroyed. However, some are still survive this method. So, students, और फिर कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है और फिर वापस से उसमें जम्स होना शुरू हो जाते हैं सो so, हम उसे बार बार क्या करते हैं गर्म करते हैं। स्टेटलाइजेशन दिस इज डन टू प्रिवेंट Any spoilage of food item due to microorganism. What does the word sterilization means? It means free from any living organism. The high temperature used in this method destroy all the microorganism in the food. The food item are exposed to high temperature for a long period, and in some cases under pres pressure. Example when pressure. कुकर इज यूज फॉर कुकिंग द फूड लास्ट लॉन्गर बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्मिज्म यू कैन ऑल्सो स्टेरिलाइज बॉटल एंड अदर एकमेंट यूज फॉर प्रिजर्वेश हम कुछ कुछ uh, समय देखते हैं कुछ चीजों का यूज करते हैं स्टेरिलाइज बॉटल्स का एंड एक का यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव now let us learn about the chemical which can be used to increase the self-life of processed food product they, these are called preservatives any substance that is added to food to make it last for a longer period is called preservative सो so स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो फार्मर होते हैं किसान होते हैं वो अपने फसलों को बचाने के लिए अपनी खेती को बचाने के लिए केमिकल यूज करते हैं मैंगोज uh, में मैंगो uh, को सुरक्षित रखने के या फ्रूट्स जितने भी होते हैं जितने भी अनाज जो हम कहते हैं दाल चावल राइस वगैरह उसमें सब में uh, केमिकल यूज किया जाता है ताकि जो है uh, खराब ना हो वो हम ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर सके बचा देशन ऑफ सॉल्ट शुगर और एसिड इन फूड प्रिवेंट इट्स पॉइलेज देर फॉर सॉल्ट शुगर और एसिड आर सब विच एक्ट एज प्रवेटिव अगर आपने देखा होगा कि Uh, कई लोग घर में पिकल्स बनाते हैं अचार बनाते हैं तो उसमें uh, ज्यादा लोग uh, नमक यूज करते हैं कुछ लोग uh, जो मुरब्बा बनाते हैं या शुगर uh, कुछ चीजों में यूज किया जाता है एसिड यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम उसको प्रिजर्व करते हैं ये सब uh, प्रिजर्व uh, प्रिजर्वेटिव करने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं ताकि वो फूड प्रोडक्ट जो है खराब ना हो टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव लिस्ट सम प्रिजर्वेटिव्स फूड इन पिकर्स जैसे यहाँ मेंशन किया है ऑलरेडी मैंने बताया आपको सम ऑफ देम आर सोल्ट सुगर लेमन जूस विनेगर ऑयल एंड स्पाइस दीज आर द नेचुरल प्रिजर्वेटिव ये जो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो हम यूज करते हैं घरों में चीजें खराब ना हो उनके लिए रीड द लेबल ऑफ जैम सॉसेसिस कैचअप चिप्स लेबल राइट द प्रिजर्वेटिव ऑन द लेबल एंटर द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल बिलो सो हम यहाँ पे जो है नेम ऑफ द प्रोडक्ट है पिकल्स एंड जैम इन सोसेस है और प्रिजर्वेटिव प्रेजेंस so कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया है सो so, जैसे मैंने बताया पिकल के लिए हम ज्यादातर सोल्ट का यूज करते हैं सेम जैम के लिए हम क्या यूज करते हैं सॉसेस सो आपको देखना है सॉस के बॉटल पे और वहां पर लिखना है मैंशन करना है यू मे फाइंड नेम ऑफ सम केमिकल लाइक पोटेशियम्स मेटो सल्फाइड्रिक एसिड एंड सोडियम सो ये दीज आर कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव सो सॉल्ट है जिसे मैंने बताया नेक्स्ट है शुगर एंड एसेड ऑइल एंड स्पाइसेस एंड मेथड ऑफ मेकिंग एपल जेम्स एप्पल जैम का जो इंडिग्रीडियंट है और मेथड यहाँ पर है आप लोग रीड कर सकते हैं और बना सकते हैं नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन सो ये मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में सिखाऊंगी ओके स्टूडेंट आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा थैंक यू वेरी मच